राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की गंगा संवाद यात्रा जो नरौरा से 11 अक्टूबर को शुरू हुई थी वो कानपुर के विठूर तक जाएगी। गंगा संवाद यात्रा का स्वागत संजय सिंह, आदित्य सिंह, आकाश गुप्ता, मुन्ना लाल, संतोष पाठक, पंडित विनोद मिश्रा, अन्वेष तिवारी, प्रशांत तिवारी और रणवीर सिंह ने फूल मालाओं के साथ किया। गंगा संवाद यात्रा 16वें दिन सुबह 10 बजे शुरू हुई। आदिदेई, धर्मपर गांव, नई बस्ती गांव और कलान तक 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा संवाद यात्रा के सदस्यों ने रात्रि विश्राम किया। भाजपा के थिंक टैंक के पूर्व सदस्य के एन गोविंदाचार्य जी का श्री गोकर्ण सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आजाद सिंह ने स्वागत किया। इस मौके पर के एन गोविंदाचार्य जी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यात्राओं का एक उद्देश्य यह भी है, नवतीर्थ दर्शन, देव दर्शन, जल, जंगल, जमीन, पशु कल्याण, गोवंश रक्षा और जैविक विशेषताओं के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, नदियों के लिए भी कुछ कर सके। बंधन दोहन और प्रदूषण जैसी स्थिति गंगा में उतनी ही है और उस तरीके से ही नदी को प्रभावित कर रही है जितना इसके आसपास बसने वाले लोगों को। आम जनता में प्रदूषण और बंधन से बचने की भी उतनी ही छटपटाहट है जितनी इस नदी में। आम जनता से संवाद में नदी और उनके जमीन के प्रति सरकारी तंत्र और जड़ता और अतिक्रम पैच। आम जनता से संवाद में नदी और उनकी जमीन के प्रति सरकारी तंत्र की जड़ता और अतिक्रमण के व्यवहार के प्रति शोध और असंतोष का स्वर लगभग हर जगह एक जैसा ही सुनने को मिलता है।